इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है एल और ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस साइड में इकट्ठे हो जाएंगे, ए में या बी में, किस साइड में इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे ये बताइए, कौन सा साइड पॉजिटिव हो जाएगा कौन सा निगेटिव हो जाएगा, इस चीज में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेट्स मेक इट क्लियर, बताइए वेलोसिटी नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड सेट किया और ये वेलोसिटी सेट कर, ये किसकी डायरेक्शन आई, ये करंट की डायरेक्शन है, ये तो मालूम है, ओके तो आप क्या कहते हैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है और इसमें किसी को आंसर नहीं आ रहा, अगर हम इसके साथ एक सर्किट कंप्लीट कर दें ऐसा, अब इस सर्किट में बताइए करंट ये क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, सोचिए, हमारा क्वेश्चन है एक कंडक्टर नीचे की तरफ गिर रहा है, उसकी वेलोसिटी इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ये इसकी लेंथ है, तो हमको ये बताना है ए और बी इन दोनों में से किस टर्मिनल में पॉजिटिव प्लस प्लस टर्मिनल बना और किसमें माइनस टर्मिनल बना, करंट फ्लो नहीं हो पा रहे क्यों, क्योंकि हमने सर्किट कंप्लीट नहीं किया, इसलिए खाली ईएमएफ बनेगा, एक एंड बनेगा प्लस और एक एंड बनेगा माइनस, तो आपको बताना है ए प्लस है या बी प्लस है, ये जो आप रूल लगा रहे हैं इस रूल से हम क्या बता पा रहे हैं, ये बी अंदर की तरफ है, ये नीचे, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो प्लस माइनस बताइए, ये सोचने का तरीका है अलग अलग, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं उसको हमेशा याद रखिए, ये एक सेल है, दिस इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी प्लस माइनस, इसी को हम ऐसे बनाते हैं प्लस माइनस, और ये रहा इसका सर्किट, ये इसका सर्किट, दोनों सर्किट में करंट की डायरेक्शन बताइए, करंट की डायरेक्शन मैं जानना चाहता हूं कि करंट की डायरेक्शन किधर का हो, ऊपर वाले में एक्स, ये करंट की डायरेक्शन है, हमको करंट की डायरेक्शन किधर चाहिए थी, इधर इधर चाहिए ना, इसमें किधर है करंट की डायरेक्शन, तो प्लस किधर है माइनस किधर है, तो सुनिए उसका कारण मैं आपको बताता हूं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो हमारा नियम है सेल या सोर्स उसके बाहर करंट फ्लो होती है प्लस से माइनस और अंदर किधर फ्लो होती है, हाँ माइनस से प्लस, तो ये जो तार नीचे गिर रही है इट हैज बिकम ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स बैटरी बन गई है, अब अगर ये बैटरी बन गई है सेल बन गया है तो सेल के अंदर करंट किधर से किधर फ्लो होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और हमने बिल्कुल ठीक निकाला है कि करंट को इधर फ्लो होगी, अगर करंट इधर फ्लो होगी और ये सेल है तो इधर क्या होना चाहिए, नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए ये ऐसे होगा, अब देखिए बाहर में करंट ऐसे आए अंदर में करंट ऐसे गई, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट का याद,
इसी में ही बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्यों हम सीधे सीधे ऐसे निकालते हैं, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट ग्रोज फ्रॉम प्लस टू माइनस, देयरफॉर हियर इज प्लस, हियर इज माइनस, एंड करंट गोज फ्रॉम प्लस टू माइनस। ठीक है, तो यहां पर इसको आपको ट्रीट करना है एज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, और सोर्स ऑफ ईएमएफ ये रहा, इसमें करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, सोर्स के अंदर माइनस टू प्लस की प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, इसलिए जब आप पोलैरिटी देखेंगे माइनस टू प्लस तो आपको इसको एज ए सोर्स ट्रीट करना है, और इसके साथ जो सर्किट ऐसा जाएगा, इस सर्किट में देखिए करंट कैसी जा रही है, प्लस टू माइनस। हाँ ये देखिए यहां से ऐसे जा रहा है, इसमें करंट कैसी जाएगी, ये ऐसे जा रही है, यही हमको मिली करंट इधर जा रही है। तो ये जो चीज है इसको आपने मानना है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक ईएमएफ। राइट, ये एक बहुत पुराना क्वेश्चन है, अगर इसमें से करंट फ्लो होती है और ये स्प्रिंग है तो हर बार यहाँ से जाएगी फिर यहाँ से जाएगी, ये पैरेलल कंडक्टर्स है, पैरेलल कंडक्टर में एक ही डायरेक्शन में करंट जाती है, देयर विल बी अट्रैक्शन, उस अट्रैक्शन के कारण सब ऐसे सिकुड़ जाएंगे और इसकी लेंथ कम हो जाएगी। ओके, तो हमारा ऑप्शन था व्हाट विल हैपन टू स्प्रिंग, आंसर इट विल कंप्रेस। अच्छा, दूसरा, when the current changes from plus 2 ampere to minus 2 ampere, I changes plus 2 ampere to minus 2 ampere in 0.05 second, then 8 volt is induced EMF. Coefficient of self-inductance. L. क्या फॉर्मूला लिया आपने? Yes. Very simple. E is equal to L di by dt. इसको अप्लाई किया, E की वैल्यू यहाँ से रखी, di by dt. This is di, this is dt. और इसको रख के कैंसिलेशन करके L की वैल्यू कितनी आ गई? Yes, you can calculate it. This will be 0.1 Henry. Next question says, two coils are placed close to each other. Mutual inductance of the pair coil depends upon what? और ये चारों statement पढ़िए। ये दो coil हैं, ऐसे रखते हैं या ऐसा रखते हैं उस पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। जैसे पास कैंसिल और दोनों के लिए अलग-अलग नो, ये अगर दोनों की पोजीशन ऐसी है या हमने एक कॉइल बनाया और इस कॉइल के ऊपर ही दूसरा कॉइल लगे, सेम एक्सिस, एक ही पे एक के ऊपर एक लपेट दिया, दिस इज बेस्ट ओरिएंटेशन, और इसमें ए की वैल्यू क्या होती है, 1। दिस इज व्हाट इज के कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कि दोनों आपस में एक दूसरे को कितना अफेक्ट करते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, के इज इक्वल टू 1 इस केस में, और इस केस में के मिनिमम होगा, तो ये किस पर डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इस पर डिपेंड करता है कि इसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन कैसा है, अगर दोनों ऐसा रहे तो के की वैल्यू अलग, ऐसा रहे तो के की वैल्यू अलग, ये क्या चीज है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, के की वैल्यू कम होती जाएगी एंड देयर विल बी लेस म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप भी
There is a rod which has length 1 meter, one end is fixed and the rod is rotating in a vertical plane. Now there is a horizontal magnetic field, Earth's horizontal magnetic field, which has strength this much, 0.2 10 to the power minus 4 Tesla. What will be the EMF induced? और इसके घूमने की वेलोसिटी क्या दी है? ओमेगा इज 5 रेडियन पर सेकंड. अब इसमें पहले हम कंडीशन देखते हैं कि क्या वाकई ये रॉड घूमते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को काटता है. तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल एंड रॉड इज वर्टिकल एंड इट इज कटिंग दी हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस. सो देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड. ओके, तो इसके लिए आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ये हाफ बी एल स्क्वायर, राइट, क्योंकि ओमेगा दिया है इसलिए हाफ बी एल स्क्वायर अपॉन हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा. ओके, अब इसमें सबकी वैल्यू रख लेंगे तीनों की एंड विल गेट इट. और तीनों एसआई सिस्टम में है, रेडियन पर सेकेंड टेस्ला, इसलिए ईएमएफ हमारा वोल्ट में आ जाएगा. सो लेट्स पुट द वैल्यू एंड विल कम टू 50 माइक्रो वोल्ट. I cancel this
3 will come down, 1 upon 6, ये ऊपर चला जाएगा, 6.8 × 10⁻². इस तरह से D की वैल्यू कितनी आएगी? आप एक बार सर 1.047 उसको राउंड अप करके 1.05 × 10⁻². Okay, it's a very simple comparison. Yes? Resistor bhi hai isme sir. Kitna? A coil of inductance 300 mH and resistance 2 ohm. एक रेसिस्टेंस और एक इंडक्टेंस आर और एल, ये दोनों इसमें लगे हुए हैं और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया। यहाँ पर स्विच है, ओके, इधर ध्यान दीजिए, अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट इंक्रीज होती है पर इमीडिएट ये अपनी फुल वैल्यू पे नहीं पहुंचती। तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि करंट की फुल वैल्यू कितनी होती है। देखिए, जब शुरू में इंडक्टर उसकी करंट को कम करता है, कैसे? उल्टा ईएमएफ बनाकर, लेकिन धीरे धीरे वो ईएमएफ कम होते जाता है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कम होते जाता है, तो अपोजिट ईएमएफ कम हो जाएगा, धीरे धीरे वो जीरो हो जाएगा। अब अगर अपोजिट ईएमएफ जीरो हो गया है तो करंट इस सर्किट में कितनी होगी? तो आंसर है, इस सर्किट में जब इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो कुछ टाइम के बाद, उस समय इस सर्किट में जो फुल करंट होगी दैट विल बी इक्वल टू डी अपॉन आर। वी कितना है? 2 वोल्ट। आर कितना है? 2 ओम। ये 1 एम्पियर कौन सी करंट है? जब फुल हो जाएगी, ओके, इसका नाम इन्होंने क्या दिया है इसमें? स्टडी करंट। ये स्टडी करंट है। तो शुरू में जैसे हम स्विच ऑन करते हैं करंट क्या होती है? जीरो, और अपोजिट ईएमएफ के कारण वो करंट एकदम से नहीं बढ़ पाती, धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ते 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 कहां तक जाएगी? 1 एम्पियर तक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि ये वी अपॉन आर से कंट्रोल होती है, राइट? तो ये है स्टडी करंट, समझ आया? ऐसे आप स्टडी करंट निकालेंगे, जिसको हमने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया कि ये है ही नहीं, कोई ईएमएफ नहीं बना रहा है, उस समय जो करंट आएगी दैट विल बी मैक्सिमम एंड दैट विल बी लास्ट करंट। लेकिन बीच में क्या हो रहा है? जब हमने इसको स्विच ऑन किया उस समय करंट थी जीरो, थोड़ी देर के बाद, टाइम बीतने के बाद ये करंट कितनी हो गई? 1 एम्पियर। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो टाइम बीता है, कितनी टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पर करंट की वैल्यू 1/2 होगी, हाफ I/2 इसकी वैल्यू होगी। इसके लिए हमको 1 एम्पियर निकालने की भी जरूरत नहीं थी, बट एनीवे निकाल लिया, तो ठीक है। तो I/2 की वैल्यू कितनी देर बाद आएगी, और इसके लिए फॉर्मूला नोट करिए, दिस इज करंट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू स्टेडी करंट I0 1 − e^RtL। और T कैसे निकाला जाता है? G is equal to L upon R log 2। No, sorry.
इससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे टी की। तो इस पर्टिकुलर केस में एल की वैल्यू हमको दी गई है 300 मिली हेनरी, मिली इज 10 टू द पावर माइनस 3, ओके, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 और मल्टीप्लाइड बाय लॉग 2 की वैल्यू, दिस इज 0.693 एंड दिस कम्स टू 0.1 सेकंड। ये जो चीज है E is equal to L upon R log 2, इसके लिए देखिए फिर से इसको तरीके से सीधा शुरू करते हैं। यहाँ आइए, I is equal to I naught 1 minus E R T upon L, ये फॉर्मूले से I is half I naught is equal to I naught 1 minus E R T upon L, जहां ये इस तरह के सब आपने पहले नहीं किए हुए, ओके। तो उसके लिए देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, I is equal to I naught 1 minus e to the power r t upon s, ओके। ये फॉर्मूला किसको कंट्रोल करता है? करेंट, इंस्टेंटेनियस करेंट इन द सर्किट। आई नॉट क्या है? फुल करेंट इन द सर्किट। अच्छा, अब इसमें आर क्या है? रेजिस्टेंस इन द सर्किट, एल इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, व्हाट इज दिस टी टाइम, ये वो वाला टाइम है जिस टाइम पर हम करेंट को देख रहे हैं। अगर हमको ये टाइम 5 सेकंड, ये टी सॉरी दिस टी इज टाइम कॉन्स्टेंट, ओके, फॉर ए पर्टिकुलर इंडक्टर। तो इसको हम लोग यहां निकालना चाहते हैं कि ये कितना होगा। इस टाइम में करंट की वैल्यू कितनी आएगी? आई। तो और वो आई इस टाइम पर डिपेंड करेगा, एल पर डिपेंड करेगा, आर पर डिपेंड करेगा, ओके। हमको दिया गया है कि ये आई कितना होना चाहिए, तो ये दिया गया है ये आई मैक्सिमम करंट का हाफ होना चाहिए, तो दिस शुड बी आई नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एन। उसके बाद इस 1 को इधर ले आइए, ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एन। ये 1 इधर आएगा माइनस 1, तो उसके बाद माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू हाफ, ओके। तो उससे हम लोग आगे इसको बना सकते हैं, इफ ई टू द पावर माइनस आर टी एल इज इक्वल टू हाफ देन लॉग आर टी अपॉन एल। एक स्टेप इसको और ले लीजिए, ई टू द पावर प्लस आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू 2, देयरफॉर लॉग आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू लॉग 2, सो आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू लॉग 2 आ गया, और लॉग 2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.693। आर की वैल्यू वहां से ले लेंगे, 2 टी हमने निकालना है, और एल की वैल्यू 300 मिली 10 टू द पावर माइनस 3। इस तरह से यहां से टी की वैल्यू निकाली एंड वैल्यू ऑफ टी 301 होता है।
2 into I think so ln 2 likhe ke aur fir 2.303 log ko banaye tab ye aa jayega. To ye wala log base e lena hai, base 10 e lena hai, isliye humne ye wali value li. Aur ye value lene se e ki value correct hai 0.1 second. तो ये जो करंट है हाफ वैल्यू पर कब पहुंचेगी, 0.1 सेकंड पर पहुंचेगी. तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि करंट मैक्सिमम होती है और इसके दौरान टाइम बदलते जाता है, और टाइम करंट और मैक्सिमम करंट इनका रिलेशन इससे कंट्रोल होता है. इसमें कंट्रोलिंग कौन कौन है, आर और एल. इसमें कितना रेजिस्टेंस है, कितना इंडक्टेंस है, इस पर डिपेंड करता है कि करंट धीरे धीरे राइज होती है कि स्पीड से राइज होती है. सो दिस इज रिलेशन फॉर दैट. ओके, बाकी तो मैथमेटिक्स है. बताइए इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ. 20t माइनस 50 और के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी. इस फ्लक्स की यूनिट क्या है, वेबर, और इसका रिलेशन क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इनटू ए, और वी कैन से इट इज बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड एरिया वेक्टर ए. अगर एक कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी है, कॉइल का एरिया ए है, तो बी ए या बी ए कॉस थीटा फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल है. लेकिन अगर हमने उसके एन टर्म्स बना दिए तो फ्लक्स लिंक कितना हो जाता है, एन बी ए कॉस थीटा. ओके, ये फ्लक्स के बारे में हो गया. उसके बाद फैराडेज लॉ क्या कहते हैं, फ्लक्स लिंक टू ए सर्टेन कॉइल इफ इट चेंजेस देन इट इज अपोज्ड बाय ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल. उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये ईएमएफ का फॉर्मूला उन्होंने क्या बताया, माइनस डी फाई बाय डी टी. ओके, इसको हम लोगों ने अलग अलग चीजों पर अप्लाई किया. जैसे एक कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे गिर रहा है, तो इसमें दोनों एंड्स में ईएमएफ पैदा होगा, और वो ईएमएफ हम किससे निकालेंगे, दैट ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी. मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो इसकी जरूरत नहीं है. तो ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस दिस इज बी एल वी. ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ फॉर्मूला पहले. ओके, अगर एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घूम रही है, तो उसके अक्रॉस कितना ईएमएफ पैदा होता है, तो उसके अक्रॉस ईएमएफ डी फाई बाई डी टी है, और फाई की जगह ये चीज रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी. ये ईएमएफ अक्रॉस ए कॉइल उसका फॉर्मूला हो. इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा है सेल्फ इंडक्टेंस.
सेल्फ इंडक्टेंस से कॉइल होती है और उस कॉइल में जब करंट चेंज होती है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और ये इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है एल डी आई बाई डी टी. व्हाट इज एल? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? If di by dt rate of change of current is 1 ampere per second, 1, then the EMF induced is equal to L, that is coefficient of self-induction. इसी तरह से mutual induction का हमने बनाया हुआ है. Mutual induction is M di by dt. और mutual induction किसके बीच में होता है? दो coils के बीच. ठीक है, दो कॉइल्स के बीच में जैसा ओरिएंटेशन हम रखते हैं उस पर डिपेंड करता है कि म्यूचुअल इंडक्शन कितना अच्छा होगा. जैसे एक कॉइल ये है और इसके ऊपर हमने दूसरी कॉइल ऐसे लगा दी, दिस इज बेस्ट म्यूचुअल इंडक्शन और इसका इंडिकेटर है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना होगा, 1. लेकिन अगर एक कॉइल ऐसी है और दूसरी कॉइल ऐसी है, देन दिस इज बेस्ट, इसका फ्लक्स इसको टच नहीं करता है, इसमें कोई ईएमएफ नहीं बनाता, इस समय के क्या माना जाएगा, जी, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ओके, इसके बाद जब हम एक सेल्फ इंडक्शन वाली कॉइल में करंट को राइज करते हैं या स्विच ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं कि इसकी करंट इमीडिएट एक साथ हाई नहीं हो जाती है. यहाँ पर हमने एक सेल लगाया और इसके साथ में ये स्विच लगाया और इस सर्किट में एक रेसिस्टेंस भी है. तो जैसे ही इसको स्विच ऑन करेंगे इसकी करंट धीरे धीरे बढ़ती है. क्यों धीरे धीरे बढ़ती है? क्योंकि ये हमेशा इसको अपोज करता है, इसके अपोजिशन के कारण करंट का राइज स्लो होता है. ओके, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाती है और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अगर इसका ईएमएफ ई है और इसका रेसिस्टेंस आर है तो ये क्या मिलेगी हमको, आई नॉट ई अपॉन आर. क्यों? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस हमने मान लिया जीरो है तो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस आर है तो मैक्सिमम करंट कितनी हो जाएगी, ई अपॉन आर. अच्छा, अब इसमें जो करंट राइज होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वो जो टाइम लगता है उसका फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एंड दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर आर टी अपॉन एल. ये इसका फॉर्मूला है जिसमें आर क्या है, रेसिस्टेंस, एल इंडक्टेंस, ई आप लोग जानते हैं, I not full current, I not full. अब कौन से दो वेरिएबल बचे, I और T. जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है वैसे वैसे I की वैल्यू बढ़ते जाती है. इन दोनों का रिलेशन ये बाकी सब चीजों पर डिपेंड करता है. तो दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल फॉर्मूला और मैंने देखा है कि पिछले बार में काफी क्वेश्चन 10 साल में कम से कम 4 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए. ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, जिसमें L अपॉन R टाइम कांस्टेंट कहलाता है, टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट L अपॉन R. ओके, तो ये इसके फॉर्मूलाज के बारे में हो गया. अब इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल देख सकते हैं. इससे ए हेलीकॉप्टर राइज वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, राइज वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 10 मीटर, वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. इट हैज ए लेंथ 10 मीटर, यहां से यहां तक की लेंथ इसकी है एल इज इक्वल टू 10 मीटर. ओके, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, यहां पर ऐसे हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर.
वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, एक ही चीज है, ये एच की वैल्यू है और एच की डायरेक्शन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, ऐसे अंदर जाती हुई या बाहर आती हुई, डजंट मैटर, ओके। व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन टिप ऑफ नोज एंड टेल ऑफ हेलीकॉप्टर, अगर ये हेलीकॉप्टर है तो ये इसकी टिप है और ये इसकी टेल है, इन दोनों के बीच का ईएमएफ हमको निकालना। तो यहाँ कौन कौन सी क्वांटिटीज दी है जिसके बेसिस पर हम ईएमएफ निकालेंगे, तो आंसर है हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी, बॉडी की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड बी, तो बी एल और बी इसको मिला के हमको ईएमएफ निकालना होता है, क्या फॉर्मूला लगेगा, ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल, तो इसकी वैल्यू निकालिए और निकाल के बताइए कितनी आती है। ये हमने इनकी वैल्यू रखी, ये B की वैल्यू, ये L की वैल्यू और ये V की वैल्यू, इन तीनों रखने से ये कितनी वैल्यू आ गई, 1.52, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना, दैट इज डन। ए मूवेबल वायर इज मूव्ड टू द राइट कॉजिंग एन एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट इन दिस फील्ड, ये करंट है तो इसमें ऐसे इंड्यूस होके घूम रही है, ये कंडक्टर इधर जा रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन दिस रीजन, यहाँ पर बी की डायरेक्शन बताइए। ये एक बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है कि आपको राइट हैंड रूल यूज करना आता है या नहीं, ओके तो उसको यूज करिए, किसके लिए यूज करेंगे, तो आंसर है इस कंडक्टर के लिए यूज करेंगे। इस कंडक्टर में हमको किस किस चीज की डायरेक्शन दी हुई है, क्या आई की डायरेक्शन दी है, आंसर है यस दी है, बी की डायरेक्शन ये दी है और आपसे बी की डायरेक्शन पूछ रहे, तो हाथ को सेट करिए और बताइए बी की डायरेक्शन किधर आएगी, आंसर क्या आया, डाउनवर्ड, वेरी गुड। ये हमने ऐसे रखा, ये फोर्स या वेलोसिटी इस तरफ है तो इसको इधर कर दिया, करंट ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ कर दिया, तो ये सेट हो गया, वेलोसिटी इधर और करंट ऊपर, वेलोसिटी इधर करंट ऊपर, तो ये बी किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो हमारा आंसर क्या होगा, इनसाइड, ठीक है। ये हाथ उंगली आपको सेट करनी आनी चाहिए। यस, तो ये थर्ड में हमने लगाया E इज इक्वल टू बी एल बी और इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग, 10 एक्सटेंडिंग ईस्ट टू वेस्ट, ये जरूरी है कि नॉर्थ साउथ के हो, राइट एंगल पर हो, falling at right angle to the horizontal component of Earth's magnetic field, 0.3 into 10 to the power minus 4. The induced EMF is 1.5, this is 1.5 into 10 to the power minus 3, और ये हमको निकाल भी बस, तो B की वैल्यू दिस अपॉन दिस इनटू दिस और ये कितना आया बताइए, 5, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए क्लोज्ड सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम, मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए क्लोज्ड सर्किट ऑफ 10 ओम, सॉरी क्लोज सर्किट ऑफ 10 ओम वेरीज विद टाइम एज पर गिवन इक्वेशन, y इज इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट वी हैव टू फाइंड, करंट एट टाइम इज इक्वल टू 0.25 सेकंड, वी हैव टू फाइंड करंट एट दिस टाइम, ओके। अगर हमको करंट निकालनी है किसी पर्टिकुलर टाइम में
तो हमें क्या चाहिए, मैथमेटिक्स सेज कि हमें एक इक्वेशन चाहिए जिसमें आई और टी दोनों आते हो, तो टी की वैल्यू रखेंगे आई की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमको आई का इक्वेशन चाहिए टी के टर्म, लेकिन हमको दिया किसका है फाई, तो फाई से आई कैसे कन्वर्ट करना ये आपके नॉलेज का टेस्ट है। तो फाई से हमको क्या समझ में आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फाई डी बाई डी टी ऑफ फाई, ये हमको क्या देता है टी की वैल्यू देता है, और अगर हम इसको आर से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा फाई, ठीक है। तो यही काम करिए, इक्वेशन ऑफ फाई को इक्वेशन ऑफ आई में कन्वर्ट करें, क्या ऑपरेशन करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, करिए विद रिस्पेक्ट टू टी, ये कितना आ गया बोलिए, e is equal to d5 by dt, that is 12 t minus 5, ये किसका इक्वेशन आ गया t का, तो i का इक्वेशन क्या होगा, i is equal to e divided by r, r कितना है 10, so this will be divided by 10, so this will be 1.2 t minus 0.5, ये इक्वेशन किसका आ गया i का, क्योंकि i किसके बराबर होता है E upon R. Okay, अगर ये I का इक्वेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू T, तो हम T की वैल्यू रख देते हैं 0.25. So I is equal to 1.2 into 0.25 minus 0.5. Okay. अब इसकी वैल्यू निकाल कर देखिए और आंसर से मैच करिए आता है कि, तो ये माइनस को कंसीडर करेंगे, ये माइनस यहां तक आ गया है, माइनस माइनस माइनस, तो आई किसके बराबर हुआ 0.2 एमपी, ये इसका करेंट वैल्यू आ गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज देयर इज अ कॉइल, एरिया कॉइल हैज एन एरिया 0.05 मीटर स्क्वेयर, इट हैज 800 टर्न्स एंड आफ्टर प्लेसिंग द कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी 4×10⁻⁵ perpendicular to the field, the coil is rotated through 90 degree in 0.1 second. Then what is average EMF induced EMF हमको निकालना है coil के केस में, तो इसको ये वाले डाटा को देख के आपको कौन सा रिलेशन याद आता है जो हमारे काम आएगा, वेरी गुड। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हमको पता है E is equal to d5 by dt, अब phi for a coil उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको देखते हैं, d5 by dt, तो d by dt phi की वैल्यू क्या रखते हैं फॉर्मूला बोलो, एन बी ए, बस अच्छा dt बताइए, एन बी ए cos थीटा, अच्छा ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है फाइव की, डी फाइव हो गया डिवाइडेड बाय डी टी, ये डी बाय डी टी, हाँ चलिए क्या करना है, निकल तो एन बी ए कॉन्स्टेंट, एन बी ए इज ए कॉन्स्टेंट, अच्छा फिर क्या होगा उससे राइट, सो दिस इज
एन बी ए, ये तो कांस्टेंट आ गया और ये आया डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा। अब बोलिए। अच्छा ये मेरे को नहीं मालूम था, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा कितना होता है? ओके, तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डी थीटा है या डी टी है, तो फिर आप उसको कॉस साइन थीटा कैसे बोल रहे हैं? हाँ, कॉस ओमेगा टी करना पड़ेगा, वेरी करेक्ट, क्योंकि इसको हमको टी का फंक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी है। ओके, अब क्या होगा? आराम से कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करो साइन ओमेगा टी, दैट इज करेक्ट। ठीक है, माइनस की प्लस, क्या होता है? माइनस। ओके, और कुछ होगा? ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, दैट इज डी बाय डीटी ऑफ ओमेगा टी। तो ये ओमेगा एक सामने आ जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा। ठीक, अगर हम इसको यहाँ पर ले आए तो ये हो गया एम बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। हाँ, अब बोलिए। माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा। अब आगे वैल्यूज पुट करोगे, वेरी गुड। ठीक है, एम की वैल्यू मालूम है, बी की मालूम है, ए की मालूम है, ओमेगा की वैल्यू 2π/T, वेरी गुड, 2π/T। तो 2π की वैल्यू मालूम है, T की वैल्यू बोलो 0.5। अच्छा, ये T की वैल्यू है, अच्छा ये अगर आपको मालूम पड़ी तो साइन ओमेगा T की वैल्यू बोलो। आपको हर चीज मालूम है, थोड़ी थोड़ी मालूम, टी का कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज टी? टाइम ऑफ फुल रोटेशन। आपको क्या दिया? 90 डिग्री कितनी देर में घूमता है? तो फुल रोटेशन 360 इतने में हुआ 0.4। तो आप चाहो तो टी निकाल सकते हो, लेकिन फिर ओमेगा टी में फंस जाओगे, इसलिए वैसा मत करिए। शुरू से ही अगर आप इसको मैं ऐसे भी सॉल्व करवा सकता हूँ, पर इट्स अ वेरी लॉन्ग मेथड, आप लंबे रास्ते पे चलेंगे। छोटा रास्ता क्या है? चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। हमको ये देखना है कि एक कॉइल ऐसी है, यहाँ से ऐसे 90 डिग्री घूमी, टाइम कितना लगा आपको? डी टी मालूम। फिर क्या निकालना है? डी फाई। ऐसे में ये फाई कितना टच हो रहा है? जीरो। और ऐसे में फाई कितना टच हो रहा है? फुल, दैट इज एन बी ए। एन बी ए ये फुल टच हो रहा है और ऐसे में कितना हो रहा है? जीरो। तो चेंज कितना हुआ? एन बी ए। ठीक है, जब कॉइल ऐसी थी तो फ्लक्स कितना था? जीरो। और जब कॉइल ऐसी हो गई तो फ्लक्स कितना हो गया? एन बी ए। तो ये चेंज हुआ एन बी ए, एन बी ए। ठीक है, ओके, ये हमने चेंज किया और डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम लगा? 0.1। एन कितना है? 800 मल्टीप्लाइड बाय बी की वैल्यू 4×10⁻¹ इंटू ए एरिया 0.05 डिवाइडेड बाय 1/10 सो दिस इज अवर आंसर। और इसको करके देखिए कितना आया, बात करती है। ओके, 8 4s are 32, 32 5s are 160,
अब ये है, आप आंसर निकालिए 1.6 × 10^2 कितना है, उसे आप निकालिए। ओके, आप जिस मेथड से कर रहे थे वो मेथड बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ये मेथड से आपको करना है। और इसमें साइन ओमेगा टी, इसमें आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा फिर से, और ये टी को 90 डिग्री लेके इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो लेकिन आंसर वही है अगर आप उसकी वैल्यू रख सकें, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में अंदर की तरफ है, ये ए बी एक कंडक्टर है, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इधर हमने मूव किया। अगर हमने इधर मूव किया तो ए और बी में कौन से चार्जेस होंगे, इनका ऑप्शन है एंड्स ए एंड बी आर चार्ज्ड, तो पूरा नेगेटिव चार्ज होगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, बी के पास प्लस होगा या ए के पास प्लस होगा, बी के पास प्लस ए के पास माइनस, या ए के पास प्लस और बी के पास माइनस, इन चार में से आपको एक चॉइस करनी है। इसको किस तरह से करेंगे, हमको जो रूल मालूम है वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, ईएमएफ की डायरेक्शन बताइए और मुझे बताइए ईएमएफ की डायरेक्शन इसमें कैसी होगी। कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, ये बी की डायरेक्शन है अंदर की तरफ, ये एफ की डायरेक्शन, तो ये किसकी डायरेक्शन, फोर्स यानी वेलोसिटी, ये है फोर्स वेलोसिटी, ये इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, याद आया। तो इसमें करंट ऐसी फ्लो होनी है इस तरह से, ऐसे करंट फ्लो। अब आप मुझे बताइए कि B के पास पॉजिटिव है, A के पास नेगेटिव है, या B के पास नेगेटिव और A के पास B के पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, ओके, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अच्छा तो करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होती है, करंट फ्लो होने का नियम क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट किधर फ्लो होगी, ए टू बी या बी टू ए, पर ये बोल रहे हैं करंट ए टू बी फ्लो हो रही है ना, हमने अभी निकाला फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से ए टू बी करंट फ्लो हो रही है, तो पॉजिटिव बी है या पॉजिटिव ए, पॉजिटिव बी होगा, ओके, और ए नेगेटिव, तो करंट किधर से किधर फ्लो हुई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट फ्लो होने का रूल क्या है, नेगेटिव टू, ऐसे करंट फ्लो होती है, श्योर,
करंट किधर से किधर जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की नेगेटिव टू पॉजिटिव? आप लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव डालते हैं, बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं? लेकिन आंसर आपका ठीक, ओके okay. उसकी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग याद करिए, अगर आपने कहीं पढ़ा है ये ठीक है, ए टू बी करंट जाती है, ए नेगेटिव है ये भी ठीक है। तो एक चीज याद रखिए, छोटी सी चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये एक सेल है प्लस माइनस, और यहाँ हमने एक रेसिस्टेंस जोड़ दिया आर, यहाँ से करंट क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉक? अच्छा रहे हो एंटी क्लॉक, किसी को बोलोगे भैया इधर आगे जाना और बाएं तरफ मुड़ जाना, अब क्या करेगा? ओके, तो ये करंट कैसी जाएगी, प्लस से माइनस? देखो हमारा नियम क्या है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाती है सेल के बाहर, सेल के बाहर, ये सेल के बाहर है, सेल के अंदर कहां जाती है? माइनस टू प्लस, ये नियम याद है, सेल के बाहर कहां जाती है? प्लस टू माइनस, सेल के अंदर यानी सेल क्या है, सोर्स, किसका सोर्स? ईएमएफ का सोर्स, तो ईएमएफ के सोर्स के अंदर करंट कैसे जाती है? माइनस टू प्लस। अब ये ईएमएफ का सोर्स है, जब हम इसका सर्किट कंप्लीट करते हैं तो करंट फ्लो होती है, सोर्स के अंदर करंट का क्या नियम है? माइनस से प्लस, इसलिए कहां से कहां जाएगी? ए टू बी अगर जा रही है तो ए को क्या होना चाहिए? माइनस, और बी को क्या होना चाहिए? प्लस। अब सोर्स के बाहर देखिए कहां से चली? प्लस से। कहां पर आई? नियम पक्का कि करंट कहां से कहां जाती है? प्लस से माइनस, उस नियम का पालन हो गया। लेकिन ये जो चीज है ये सेल के अंदर है, और सेल के अंदर करंट कहां से कहां जाती है? माइनस से, इसलिए ये माइनस और ये प्लस। अब दोनों चीज फिट हो गई कि करंट माइनस से प्लस जाती है, क्या आंसर है? जाती है, कहां जाती? सेल के अंदर। ये आपको चीज थोड़ी सी मिस हो गई कि माइनस टू प्लस कहां जाती है? सेल के अंदर, और सर्किट के बाहर प्लस टू माइनस, राइट, सेल के बाहर। और ये जो काम करता है ये किसका काम करता है? सोर्स का, सेल का काम करता है, और ये बाहर का सर्किट। अब मान लो हमने ये सर्किट काट दिया, अगर ये सर्किट काट दिया तो इसके पास कौन सा वोल्टेज है? माइनस। तो यहां पर सब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो कितने रहे, और यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे ये करंट ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन कहां इकट्ठे हैं तो आंसर क्या होगा? ए पर। पॉजिटिव चार्ज कहां इकट्ठा हुआ है? बी पर।